नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं वसीम। गिरिराज सिंह जो कि नवादा से उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद से नाराजगी जग जाहिर थी। गिरिराज सिंह नाराजगी दिखा भी रहे थे अपने बिहार के बीजेपी के प्रदेश के जितने भी नेता हैं उन पर उनकी नाराजगी दिख भी रही थी। आज वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पे आए। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा ये दिखाए। जहाँ सीएम नीतीश कुमार से मिलने गिरिराज सिंह आए, उन्होंने लगभग 5 बजे वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने आए थे। आधे घंटे तक तकरीबन सीएम नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई, बैठक हुई। उसके बाद 5:30 बजे के करीब वो सीएम नीतीश कुमार के आवास से बाहर निकले। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लें। NDA का और NDA लड़ रहा है, दिल्ली में मुखिया है NDA के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में मुखिया हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उप मुख्यमंत्री उप मुखिया हैं सुशील मोदी। स्वाभाविक है हम कल बेगूसराय जा रहे हैं, राजनीतिक चर्चा ही हुई है और उस राजनीतिक चर्चा में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। जिन चर्चाओं को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में NDA की जीत, पिछले वर्ष जो हमें NDA का मिला था उससे अधिक होगा। ये हमारे NDA मुखिया का मानना है और मेरा भी मानना है, इसी पे चर्चा हुई। बहुत बहुत आश्वासन, पूरा आश्वासन है। क्या लगता है कि गिरिराज की नाराजगी अब खत्म हुई है? 200% नहीं खत्म होती तो हम कैसे आते। सुना गिरिराज सिंह ने कहा है कि कल वो बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे, और जो बेगूसराय से, क्योंकि गिरिराज सिंह को बेगूसराय सीट से ही चुनाव लड़ना है, तो कल वो जोरों शोरों से तैयारियों में लग जाएंगे। बेगूसराय कल गिरिराज सिंह जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यदि पिछले बार की यदि आकलन करें तो NDA इस बार बेहतर करेगा और ज़्यादा सीटें लेकर आएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि गिरिराज सिंह जो खासा नाराज चल रहे थे नवादा से टिकट नहीं मिलने पर, अब बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ जनता का आशीर्वाद मिलेगा गिरिराज सिंह को, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुखिया यानी NDA के मुखिया नरेंद्र मोदी से, और CM नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं, सुशील कुमार मोदी जो उप मुखिया हैं बिहार के, उनसे राजनीतिक चर्चाएँ हुई हैं। हालाँकि क्या राजनीतिक चर्चाएँ हुए हैं उन्होंने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मुलाकात हुई है CM नीतीश कुमार से, बिहार के मुखिया से, उस पर हमने राजनीतिक चर्चाएँ की है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ये मैं साझा नहीं कर सकता। बहरहाल देखना ये होगा कि ये जो आधे घंटे का बैठक हुआ है, ये जो राजनीतिक चर्चाएँ हुई हैं, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है गिरिराज सिंह के लिए। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सके।